हमारा फर्स्ट मिथ लिखा है मिस्टर आयु ने। स्टेप वन, अपने फ्रेंड को लेकर ट्रेनिंग में जाओ। स्टेप टू, फ्रेंड को कहो पैन ले। स्टेप थ्री, पैन पर फायर करो, डैमेज नहीं लगेगा। स्टेप फोर, M60Y से पैन पर फायर करो, डैमेज लगेगा। भाई लोग, अपन को अच्छे से पता है कि किसी भी गन से पैन पर मारो तो हमें डैमेज नहीं लगता है, तो यहाँ पर मेरे पास M60Y गन भी है, तो एनिमी के पैन पर फायर करके देखते हैं। क्यों दोस्तों, हो गया ना सरप्राइज। सच में M60Y गन तो पैन के भी आर पर मार रही है। वैसे ट्रेनिंग ग्राउंड में तो ये चीज काम कर रही है, फुल मैप का पता नहीं। दोस्तों क्लासिक रैंक में ट्राई करके देखना क्या ये मिथ वहाँ पर वर्क करता है। बाकी इस मिथ के लिए भाई विन कर चुके हैं पूरे 100 डायमंड्स। तो अगला मिथ इट शहजादे की तरफ से, गो टू एनी मोड फिर प्रोन हो जाओ, फिर प्रोन में ही सेटिंग में जाके प्रोन का बटन हाइड कर दो एंड सी द मैजिक। सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है फ्रेंड्स। अब फटाफट प्रोन होके सेटिंग में चलकर प्रोन के बटन को हाइड कर देते हैं। मैं नॉर्मली लेट पा रहा हूँ, खड़ा भी हो पा रहा हूँ, इसमें मैजिक क्या है? अगर दोस्तों आपको कोई मैजिक दिखा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अभी के लिए तो ये मिथ रॉन्ग है। नेक्स्ट मिथ फ्रॉम रेड एक्स, व्हेन मिस्टर वेगर विल ऑलमोस्ट क्रिएटेड वॉल यूज जिपलाइन एंड सी मैजिक। तो पहले से दोस्तों मैं जिपलाइन के पास तो आ गया हूँ, और अब थोड़ी देर में वेगर पैड भी ग्लूवॉल प्रोड्यूस करने वाला है, तो हमें उससे पहले जिपलाइन यूज करनी है। एक सेकंड के लिए दोस्तों, आपने वो कैरेक्टर के अजीब से मूवमेंट देखी, उसने अपने हाथ से कुछ करा था जो कि जिपलाइन यूज करते हुए काफी यूनिक लग रहा था, इसलिए तो मैंने स्मिथ को ऐड करा। और भाई को स्मिथ के लिए मैंने 100 डायमंड सेंड कर दिए हैं। गौतम महेश्वरी लिखते हैं कि स्टेप वन, अपने फ्रेंड को आलोक लेने के लिए कहो। स्टेप टू, अपने दोस्त को कहो शो इन लॉबी वाले स्किन को हटा दे। स्टेप थ्री, और जब आपके फ्रेंड का आलोक का अपना इमोट चालू हो तब फ्रेंड को कहो गन को शो इन लॉबी कर दे एंड सी द मैजिक। तो फ्रेंड ने गन को शो इन लॉबी से तो हटा दिया है, तभी तो उसका पर्सनल इमोट प्ले हो रहा है। कॉमन सेंस दोस्तों, जैसे इमोट दोबारा से होगा ना, फ्रेंड को शो इन लॉबी करने के लिए बोल दूंगा। भाई क्या आई है, कोई इमोट नहीं हो रहा फिर भी जो उसका एनिमेशन है वो शो हो रहा है। और वाकई में दोस्तों स्मिथ ने तो मुझे शॉक कर दिया। दोस्तों मैंने अदर कैरेक्टर्स पर भी ट्राई किया और ये सब पर वर्क कर रहा है। दोस्तों आप भी इसे ट्राई करना और कमेंट मुझे जरूर बताना कि आपने कौन सा कैरेक्टर पर ट्राई किया। बाकी इस कमाल के मिथ के लिए मैंने भाई को 100 डायमंड सेंड कर दिए है। अगला मिथ लिखते हैं पार्थ भाई, लोन वुल्फ में 1v1 में आप एक राउंड जीतो, उसके बाद एनिमी को एक राउंड जीतने दो, और जिस राउंड में एनिमी जीत रहा है और आपका डेथ दिखा रहा है और हम 2-3 सेकंड के लिए एनिमी को स्पेक्टेट करते हैं, देन उसे गेम बैक करने को बोलो, मैच टाई हो जाएगा। क्या दोस्तों टाई, क्या वास्तव में मैच का टाई होना पॉसिबल है? खैर दोस्तों ये तो जब मिथ कर लेंगे तभी पता चल जाएगा। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट राउंड जीत लिया है, अब इसके बाद अगला जो राउंड है वो एनिमी को जीतने देना है, और यहाँ पर हम एनिमी से किल हो जाते हैं। और जैसे हम एनिमी को 2-3 सेकंड के लिए स्पेक्टेट करते हैं ना, वो माने एनिमी गेम को बैक कर देता है। दोस्तों मैं तो पूरी तरह से सरप्राइज हूँ, लोन वुल्फ में टाई मैं तो भाई पहली बार देख रहा हूँ, और शायद आप भी। अगर आपका जवाब हाँ है तो अभी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो दोस्तों। और भाई स्मिथ के लिए 100 डायमंड विन कर चुके हैं जो कि मैंने उन्हें पहले दे दिए हैं। अगला मिथ लिखा है सोहम ओपे ने, चार्ज बस्टर फ्री फायर में सिंगल हाथ में लेकर दौड़ता है एंड नॉर्मल फ्री फायर में दोनों हाथ में लेकर। नहीं दोस्तों, जैसे सोचा था वैसा हुआ नहीं। नॉर्मल हो या मैक्स, दोनों में ही कैरेक्टर दोनों हाथ में लेकर गन को दौड़ रहा है, hence this myth is busted। तो ये मिथ लिखा है पार्थ भाई ने, अगर आप गाड़ी लेकर ड्रम के पास जाते ही और एलिमिनेट होते हो तो आपकी गाड़ी गायब हो जाएगी। हाँ दोस्तों, बाइक तो सच में गायब हो गई है। माना कि ड्रम से ब्लास्ट हो गई है तो कम से कम जली हुई कार तो होनी चाहिए ना, बट यहाँ पर तो बाइक का नामो निशान तक नहीं है। और ये मैं तो एकदम राइट है, इसके लिए मैंने भाई को 40 रुपीज का रिडीम कोड भी दे दिया है। दोस्तों स्ट्रिक को करने के लिए आपके पास वैश थिकर और एक लैंडमाइन होनी चाहिए। पहले तो आपको वैश थिकर को बैग से गिरा देना है, फिर उसके ठीक ऊपर लैंडमाइन लगाने की कोशिश करनी है, और ऐसे करके दोस्तों आपके लैंडमाइन बिल्कुल हाइड हो जाएगी। और वैश थिकर के लालच में कोई आएगा तो वो तुरंत किल हो जाएगा, और अगर उसकी हेल्थ फुल हुई
तो उसे सिर्फ डैमेज लगेगा। तो दोस्तों स्ट्रिक्स से आप फ्री के किल ले सकते हो। अगला मिथ लिखा है सिबू कुनकरी ने, सिर्फ शनि कैरेक्टर के इमोट में ही गन स्किन के साथ प्ले होता है। यस ब्रो यू आर राइट, शनि कैरेक्टर तो अपने इमोट के साथ गन स्किन भी यूज करती है, जबकि एक दो कैरेक्टर हैं जिनके इमोट में गन तो होती है बट वो विदाउट स्किन होती है। और 30 रुपीज का रिडीम कोड भाई इस मिथ के लिए जीत चुके हैं, जो कि मैंने भाई को दे भी दिया है। और दोस्तों ये वाली एक नंबर ट्रिक होने वाली है, तो बस आप देखते जाओ क्या कमाल होता है। जैसे जैसे मैं करूँ ना, आपको बिल्कुल वैसे फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको इस ग्लोअल स्कूल में आ जाना है और प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है जब तक कि आपको मशीन से एक दो गोली पड़ ना जाए। फिर जैसे आपको गोली पड़े तो तुरंत आपको बैक कर देना है। और ध्यान रहे दोस्तों कि बैक करने के बाद भी आपको एक गोली पड़ेगी, और ये गोली पड़ना बहुत जरूरी है। और फिर स्कूल से बाहर आके डायरेक्ट दोस्तों आपको बैटल जोन में चले जाना है, और फिर कोई भी आपको सेफ जगह पर चले जाना है जिससे कि आपको कोई एनिमी मार ना पाए। और सेफ्टी के लिए आप एक ग्लूवॉल भी लगा सकते हो। फिर आपको इनहेलर का सुट्टा मारना है। और अब आप एचपी की तरफ ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि ईपी से एचपी कन्वर्ट होना बंद हो चुकी है। देख सकते हो दोस्तों एचपी बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही। और स्ट्रिक से दोस्तों को शॉक करना मत भूलना। और दोस्तों हम आपके लिए इतनी यूनिक मिथ्स एंड ट्रिक्स ढूंढ कर लाते हैं, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हो दोस्तों अभी कर दो, फिर बाद में आप भूल जाते हो। और लूसिफर भाई को मैंने ट्रिक के लिए जैस पैंट गिफ्ट कर दी है। हाँ तो अब मैं आपको थंबनेल वाले ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ट्रिक से आप एडम को कोई सा भी कैरेक्टर के कपड़े पहना सकते हो, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आपके लिए मैं ये ट्रिक ढूंढ कर लाया, तो एक लाइक तो बनता है ना। जैसा कि मैंने स्काइलर के कपड़े एडम को पहना रखे हैं, जो कि करना इम्पॉसिबल है दोस्तों। आपको पता ही होगा दोस्तों कि हर कैरेक्टर का अपना एक स्पेशल बंडल होता है, जिसे कि सिर्फ वही कैरेक्टर पहन सकता है, बाकी कोई भी कैरेक्टर नहीं पहन सकता। दोस्तों ये वाली ट्रिक आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और सॉरी दोस्तों मैं आपको ये ट्रिक नहीं बता सकता, क्योंकि इससे आपकी आईडी भी बैन हो सकती है। और दोस्तों मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का भी कोई भी नुकसान हो, बट दोस्तों मैं श्योर हूँ कि ये ट्रिक देखकर आपको मजा तो आया होगा। और सोनिक स्लैश जिन्होंने की ये ट्रिक हमें बताई थी, जिसके लिए मैंने भाई को 400 डायमंड दे दिए हैं। दोस्तों आप भी इसी तरह अपनी यूनिक ट्रिक या मिथ हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि अब तक यूट्यूब पर किसी ने ना बताया हो। आप चाहो तो अपने कमेंट के साथ अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियो भी सेंड कर सकते हो। जितने भी लोगों का मिथ या ट्रिक यूनिक हुई, हम उसे प्राइस में 100 डायमंड का टॉप अप करेंगे। अगर आपके मिथ या ट्रिक नेक्स्ट लेवल हुई तो आपको 500 डायमंड भी मिल सकते हैं, जैसे कि हमारे पिछले वीडियोस अनलिमिटेड एचपी ट्रिक, जंप फ्रॉम लॉबी, इनविजिबल ट्रिक और डबल एडब्ल्यूएम इन रैंक।